नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक। स्वागत करती हूं आप सभी का मीडिया दरबार के एंटरटेनमेंट चैनल के खास शो खबर छोटे पर्दे के नए एपिसोड में। चलिए बिना देर किए बताती हूं आपको सीरियल कुमकुम भाग्य के आज के एपिसोड की अपडेट। बीते दिन हमने देखा कि प्राची और रणवीर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। रणवीर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो अगर रिया से शादी करेगा तो वो कभी खुश नहीं रह पाएगा, लेकिन प्राची अपनी बहन का मुंह देखकर सब समझते हुए भी अनजान बनने की कोशिश करती है। आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि तनु खुद को बहुत चालाक समझते हुए प्रज्ञा को अभी से अलग करने की कोशिश करती है और अभी और प्रज्ञा को डिवोर्स की शर्त रख देती है, जिससे प्रज्ञा मान लेती है। लेकिन प्रज्ञा तनु को फोन पर बात करते हुए कुछ ऐसा सुन लेती है कि उसे तनु पर शक हो जाता है। आगे के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि तनु प्रज्ञा को अपनी सगाई पे बुलाने के लिए सरिता जी के घर जाती है, जहाँ सरिता जी उसे परेशान करती है और तो और उसकी साड़ी पर चटनी तक गिरा देती है। और तभी इससे तनु घबरा कर अपना फोन जमीन पर गिरा देती है। इस बात का फायदा उठाकर सरिता जी तनु को बोलती है कि अपनी साड़ी पर से जल्द दाग हटा दो, वरना साड़ी पर दाग रह जाएंगे। और तनु उनके बाद में आकर अपनी साड़ी धुलने के लिए बाथरूम चली जाती है। इस बात का फायदा उठाकर प्रज्ञा तनु का फोन चेक करते हुए नजर आने वाली है और तनु का फोन पर स्क्रीन लॉक होने की वजह से फोन ओपन नहीं होता। लेकिन प्रज्ञा की किस्मत प्रज्ञा का साथ देती है और उसे टाइम तनु के फोन पर प्रदीप का फोन आ जाता है और वो तनु पर भड़कने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा एक्स पति नहीं हूँ जिसे तुम बेवकूफ बना लो, मैं तुम्हारा प्रेजेंट हूँ, इतना बोलकर फोन काट देता है। अब देखना यह है कि प्रदीप का प्रेजेंट बोलने का मतलब क्या होता है और क्या प्रज्ञा तनु और प्रदीप का सच का पता लगा पाएगी। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट से। धन्यवाद।